सबसे पहले बात करते हैं मौसम की और साथ ही बात करेंगे चक्रवात तूफान की। भारत से सटे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ दो खतरनाक चक्रवात बन रहे हैं। अरब सागर में उठा चक्रवात तेज बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हामून बन रहा है, यानी एक साथ दो तूफान। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर में है। हालांकि साल 2018 में भी यही स्थिति पैदा हुई थी जब भारत के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ चक्रवात साथ में बने। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात हामून भी एक्टिव हो गया है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव सोमवार तक और ज्यादा तेज होकर गहरे दबाव में बदल गया। इसके बाद अगले तीन दिन में बांग्लादेश और पास के पश्चिम बंगाल तटों और उत्तर पूर्व उत्तर की तरफ बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो हामून ने 24 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने के प्रमुख संकेत दिखाए हैं। रविवार रात को अगर बात करें तो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद यह सिस्टम वर्तमान में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये ओडिशा के पारादीप से लगभग 400 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में दीघा से 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में यह भी कहा था कि अगले 12 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और गहरे दबाव के रूप में 25 अक्टूबर की शाम के आसपास खोपूपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश तट को पार करने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस बीच ओडिशा सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रशासन को भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाके से लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक यूएस डैश कहते हैं सिस्टम ओडिशा तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर समुद्र में चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से सोमवार को तटीय ओडिशा में कई स्थानों पर दरअसल हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि क्योंझर, मयूरभंज और ढेंगटाल के अलावा उत्तरी और दक्षिणी तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा आयोजक उत्सव के दौरान संभावित बारिश और हवा की को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत भी हो गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और लखनऊ में अगले 5 दिनों में कोहरा बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 24 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा शहर में सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 292 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 24 और 25 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ओडिशा और बंगाल के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना भी है। दूसरी ओर चक्रवाती तूफान तेज उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वो 25 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर में और 25 अक्टूबर की रात तक पश्चिम मध्य अरब सागर में ना जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।